प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है कि वो 5 महीने क्रिकेट से दूर रहने का हिसाब एक दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने गेंदबाजों की नींद उड़ाई हुई है। गुरुवार को डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में रिलायंस वन की तरफ से खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने BPCL के खिलाफ महज 55 गेंदों में 158 रनों की पारी खेली। धुआंधार बल्लेबाजी का आलम यह था कि हार्दिक ने 20 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके लगाए, यानी 120 रन तो उन्होंने केवल छक्कों की मदद से ही बना डाले। इस दौरान हार्दिक ने केवल 25 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। इस दौरान हार्दिक का स्ट्राइक रेट 287.27 का रहा। हार्दिक पांड्या ने डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में अब तक 4 मैच खेले हैं और 347 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के दूसरे ही मैच में 39 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 150 रनों की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली थी और अब महज 55 गेंदों में 158 रन की पारी खेली है। 158 रनों की पारी खेलने के साथ ही हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके पहले ये रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर के नाम था। श्रेयस अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में सिक्किम के खिलाफ खेलते हुए 147 रनों की पारी खेली थी। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में हार्दिक पांड्या ने घुटनों की सर्जरी करवाई थी। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला सितंबर में खेला था, लेकिन अब हार्दिक चोट से उबर चुके हैं और मैदान में गेंद और बल्ले से कहर बरपाने को तैयार हैं। 12 मार्च से भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलनी है। कुछ ही दिनों में इसके लिए टीम का ऐलान होगा। हार्दिक अपने हालिया प्रदर्शन की बदौलत टीम में जगह बना लेंगे, इसकी पूरी संभावना है। भारतीय खेमा भी खुश होगा कि हार्दिक विरोधी खेमे में कोहराम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।